आदरणीय आदितिगढ़ आदरणीय शिक्षकगणों सभी को मेरा प्रणाम। एलएलबी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। भारत आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के भारत अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज मैं किस तरह हमारे वीरों ने हमारे शहीदों ने अखंडता और एकता को बनाए रखते हुए हमें आज़ादी दिलाई है इसके प्रति मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कविता के माध्यम से। हम सबकी एकता, हमारे वीरों की एकता की वजह से ही आज हमारा राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। किस प्रकार उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर हमारे राष्ट्र को अपना परिवार बनाया था, हम सबको एकता के सूत्र में बांधा था। हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ। मैं इन सब में अपना आप सभी का समय व्यर्थ ना करते हुए महात्मा गांधी के उन घटनाओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ जिन्होंने उनके सामान्य जीवन को महात्मा से बापू और बापू से हमारा राष्ट्रपिता बना दिया था। जिस उम्र में हम खुद को नहीं संभाल पाते हैं, जिस उम्र में हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, उस उम्र में भी उन्होंने अब उनका विवाह कर दिया गया। बाल अवस्था में मात्र 13 वर्ष की आयु में धनी व्यक्ति व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह कर दिया जाता है और वह अपने परिवार को संभालती हैं। उनका पहला पुत्र होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी समय उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। एक तरफ उनका परिवार होता है तो दूसरी तरफ उनका राष्ट्र होता है। छोड़ वो अपने परिवार को अपने राष्ट्र को ही अपना परिवार बनाते हैं, एक बच्चा कहता है बापू कुर्ता क्यों नहीं पहनते, कुर्ता बड़ा अच्छा लगता है तुम पे। तो बापू कहते हैं बेटा मैं इतना गरीब हूँ, एक कुर्ता कहाँ से खरीद सकता हूँ। बच्चा कहता है बापू मेरी माँ सिलाई करती है, क्या तुम्हारे लिए मैं कुर्ता बनवा दूँ। तो बापू कहते हैं बेटा मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत बड़ा परिवार है मेरा भी, 40 करोड़ भाई बहन है मेरे, जब तक सभी कुर्ता नहीं पहनते बताओ मैं कैसे पहन सकता हूँ। बच्चा ये सुन दंग रह गया, वो नहीं समझ पाया बापू की भावनाओं को, लेकिन हम समझते हैं किस तरह उन्होंने अपने पराये का भेद मिटा इस राष्ट्र को अपनाया था, हर व्यक्ति को अपना भाई बहन बना, इस राष्ट्र को एक परिवार बनाया था। जहाँ हम अपना जीवन अपने पराये में गुजार देते हैं, वहीं उन वीरों ने उन शहीदों ने छोड़ अपने परिवार को, हमारे राष्ट्र को, हमारे हिंदुस्तान को अपना परिवार बनाया है। एक दूसरे को छोड़ सबको एक घर एक परिवार जैसा माना है। जब गांधी जी अपने परिवार को छोड़कर आए तब उनका परिवार अकेला था और वह पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। जब बहुत सारे आंदोलन हो गए तब भी हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में जेल चले गए, जहाँ उनकी पत्नी बीमार थी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रभक्ति को नहीं छोड़ा। अंतिम बार भी मुख वो अपनी पत्नी का भी ना देख पाए और राष्ट्रभक्ति के चलते जेल की यात्रा वो करने चले गए और भारत छोड़ो आंदोलन को वो करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने यही कहा था कि ये राष्ट्र किसी एक का नहीं है, ना स्वाधीनता किसी एक की है, ये राष्ट्र हम सबका है, ये स्वाभिमान हम सबका है। डरो नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो, करो या मरो, अपने अधिकार को समझो, अपने कर्तव्य को समझो। ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। हो जाओ बलिदान उस माँ भारती के लिए जो गुलामी की जंजीरों में बंधी है। हमारे देश के हर व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती, हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था और वो भी एक साथ एकता के रूप में। यह देख अंग्रेजों ने भी हमें आज़ाद कर
कर दिया, यह देख अंग्रेजों ने भी हमें आजाद कर दिया। और हम फिर हमारे सभी सभी शहीदों ने, सभी वीरों ने माँ भारती को आजादी की चुनरी उड़ा दी, आजादी की चुनरी उड़ा दी, राष्ट्र को एक परिवार बना दिया, राष्ट्र को एक परिवार बना दिया। जाति पात धर्म वर्ग से हटकर एक नए समाज का निर्माण हुआ, एक नए समाज का निर्माण हुआ। मैं कहती हूँ जीवन आसान नहीं है, जीवन आसान नहीं है, हर मोड़ पर संघर्ष है। जो चलते हैं कठिनाइयों के रास्ते पर, जो चलते हैं कठिनाइयों के रास्तों पर, चलते हैं कठिनाइयों के रास्ते पर, विजय सदैव वही होते हैं, विजय सदैव वही होते हैं। चंद दिनों की आजादी से, चंद दिनों की आजादी से तो गुलामी बेहतर है, हिंसा हो जिन शब्दों से वहाँ खामोशी बेहतर है, वहाँ खामोशी बेहतर है। हाँ ये अभिमान से कहती हूँ, हाँ ये स्वाभिमान है राष्ट्र मेरा, हाँ ये स्वाभिमान है राष्ट्र मेरा। हम ऐसे देश के वासी हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ हर व्यक्ति के दिलों में प्रेम है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में प्रेम है और जीवन में आदर्श है, और जीवन में आदर्श है। यहाँ का बच्चा बच्चा, हमारे राष्ट्र का बच्चा बच्चा माँ पिता और गुरु को भगवान कहता है, माता पिता गुरु को भगवान कहता है और राष्ट्र की स्वाधीनता को अपना स्वाभिमान कहता है, अपना स्वाभिमान कहता है। कुछ पंक्ति द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। उनकी हौसलों का भुगतान क्या कोई करेगा, उनकी शहादत का कर्ज उधार है अभी देश पर। आप और हम सभी इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार हैं। कर जज्बे को बुलंद ऐ जबान तू, कर जज्बे को बुलंद ऐ जबान तू, तेरे पीछे देख खड़ी पूरी आवाम है। हर पत्ते को मार गिराएंगे जो हमसे हमारा देश बटवाएंगे, देश की आजादी के लिए नए फसानों की जरूरत है, भगत आजाद जैसे आजादी के दीवानों की जरूरत है। लुटेरा है अगर कोई आजाद यहाँ तो अपमान हम सबका है, लुटी है यदि बेटी तो लुटा हम सबका सम्मान है। बनो इंसान पहले छोड़कर मजहब की बातों से, लड़ो मिलकर हर एक दुश्मन से, ये हिंदुस्तान हम सबका है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। एक बूंद भी रहेगी जब तक शरीर में भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। खून सीने में जुनून रखते हैं हम, सीने में जुनून रखते हैं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखते हैं। हाँ हम हिंदुस्तान वाले हैं, दुश्मन की थम जाए सांसें भी आवाज को इतनी बुलंद रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।